मददगार परी। सोनपुर गांव के पर्वत के पीछे एक बहुत सुंदर परियों की दुनिया बसी हुई थी। वहां कई सारी परियां खुशी खुशी रहा करती थी। वहीं मोना नाम की परी भी रहती थी। मोना परी बहुत ही नेक और सरल स्वभाव की थी। उसे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा सबकी मदद किया करती थी। एक दिन उसका मन पृथ्वी लोक घूमने को हुआ। वो पृथ्वी लोक को आती है। मोना परी को पृथ्वी और वहाँ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मोना परी बहुत ही आश्चर्य से पृथ्वी के सभी चीजों को देखती है। वो पृथ्वी लोक घूमने में इतनी मगन हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसका जादुई छड़ी कहाँ गुम हो गया है। जब मोना परी को इस बात का पता चलता है कि उसकी जादुई छड़ी कहीं गुम हो गई है, तो वो बहुत हैरान हो जाती है और रोने लगती है। वो कहती है, अरे नहीं, मेरी जादुई छड़ी कहाँ गुम हो गई? अब मैं अपने परीलोक वापस कैसे जाऊंगी? मैं क्या करूं? कैसे ढूंढूं? मैं अपनी जादुई छड़ी को कैसे लाऊं? इतना बोलकर मोना परी फिर से जोर जोर से रोने लगती है। ये सब पास में खड़ा केशव नाम का एक लड़का देख रहा होता है। वो मोना परी को रोता देख उसके पास आता है और उससे पूछता है कि, अरे तुम तो एक परी हो और तुम यहाँ कैसे, और तुम रो क्यों रही हो? मेरी जादुई छड़ी कहीं गुम हो गई है। मैं उसके बिना अपने घर वापस नहीं जा सकती। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। परी की बात सुनकर केशव बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जादुई छड़ी ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर दोनों मिलकर जादुई छड़ी को ढूंढने लगते हैं। फिर थोड़ी देर में केशव परी की जादुई छड़ी को ढूंढ लेता है और मोना परी को दे देता है और उसे कहता है, हे परी, अब तो तुम्हें तुम्हारी जादुई छड़ी मिल गई है ना, अब तो तुम खुश हो ना, लेकिन तुम यहाँ पृथ्वी लोक पर क्या कर रही हो? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जादुई छड़ी ढूंढवा दी। मुझे पृथ्वी के लोग और यहाँ के चीजें देखने का बहुत शौक है, इसलिए मैं पृथ्वी पर अलग अलग देशों में घूमने जाती हूँ। मोना परी की ये बात सुनकर केशव बोला कि, हे परी, तुम बहुत ही अच्छी हो, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, चलो मैं तुम्हें अपना गांव घुमाता हूँ। केशव मोना परी को अपने गांव घुमाने ले जाता है। वो परी को अपने गांव के नदी, पहाड़, झरना, हर जगह घुमाता है। फिर वे दोनों एक नदी के किनारे बैठकर खूब मस्ती करते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई। अरे दिन ढल गया, अब मुझे जाना होगा, अगर मैं लेट हो गई तो परीलोक का द्वार बंद हो जाएगा। ठीक है मोना परी, तुम जाओ, लेकिन जाने से पहले तुम मुझे वादा करो कि कल फिर तुम आओगी। ठीक है, मैं कल आऊंगी, अब मैं चलती हूँ, बाय केशव। इतना बोलकर मोना परी परीलोक को चल देती है। और जब अगली सुबह मोना परी वापस पृथ्वी लोक को आती है, तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि पृथ्वी लोक पर तेज वर्षा और तूफान आने के कारण बहुत से लोगों के घर टूट गए थे और बहुत लोग बेघर हो गए थे। छोटे बच्चे भूख के मारे रो रहे हैं। ये सब देखकर मोना परी को बहुत बुरा लगता है। वो एक बच्चे के पास जाती है जो भूख के मारे रो रही होती है। मोना परी अपनी जादुई से उस बच्चे के लिए भोजन लाती है और बच्चे को खाना खिलाती है, और जिन लोगों के घर टूट गए थे उन्हें वापस से बनाने में उनकी मदद करती है। लोग परी का बहुत धन्यवाद करते हैं। हे परी, हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें? आपने हम लोगों की बहुत मदद की है। इसमें मदद कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। और परी होते हैं किस लिए? लोगों की मदद करने के लिए ना। सभी लोग मोना परी की बहुत तारीफ करते हैं। केशव भी मोना परी को शुक्रिया अदा करता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मोना परी, तुमने हमारे गांव के लोगों की बहुत मदद की है। अरे नहीं नहीं केशव, उस दिन तुमने मेरी मदद की थी और आज मैंने, इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कोई बात नहीं। और हाँ, आप लोग को जब भी मेरी मदद की जरूरत हो तो आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। इतना बोलकर मोना परी वहाँ से चली जाती है। सारे लोग मिलकर परी की खूब तारीफ करते हैं।
वे वापस से खुशी खुशी परीलोक वापस लौट आती है। लोगों की मदद करके उसे बहुत खुशी मिलती है।